नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं आपका प्रदीप शर्मा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको माता चिंतपूर्णी लेकर गया था और अब मैं आपको माता ज्वालामाई के दर्शन कराने ले जाऊंगा और आप मेरे साथ दर्शन करिए। और अभी हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते हमको थोड़ी रात हो जाए, तो मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा दिखाने की, और नहीं तो फिर सवेरे आपसे मुलाकात होगी। अभी हम बस में बैठते हैं और जो बातें मैं जानता हूँ वो आपसे शेयर करूँगा। ठीक है जी, मिलते हैं बस में। दोस्तों, मैं बस में आगे की सीट पर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ और बस में हिमाचली गाना चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी बस अब पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होती हुई आगे जाएगी और मैं आपको माता ज्वाला जी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और आप बाहर का नज़ारा देखिए और साथ साथ में ज्वाला जी के बारे में भी सुनिए। ज्वाला जी जो है एक शक्तिपीठ है, टोटल 51 शक्तिपीठों में से ज्वाला जी एक शक्तिपीठ है। जैसे चिंतपूर्णी, नैना देवी, शाकाम्बरी, कामाख्या देवी, हिंगलाज जो पाकिस्तान में हैं, ये सब देवियां एक शक्तिपीठ हैं, उन्हीं में से एक ज्वाला जी हैं। और अभी हमारी बस किसी शहर से होती हुई जा रही है, इस शहर का नाम है धनियारा, जो कि पीछे लिखा हुआ था। शहर काफ़ी अच्छा लग रहा है और दोनों तरफ दुकानें हैं, भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। दोस्तों, ज्वाला जी में जो है कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, बल्कि वहाँ पर माता एक ज्योति के रूप में सदियों से दिन रात जलती आ रही है, जो पूरी तरीके से प्राकृतिक है, उसमें कोई तेल घी वगैरह नहीं डलता। कहते हैं अकबर बादशाह ने खुद वहाँ पर आकर एक 52 सोने का छत्र चढ़ाया था। जैसे कि एक गाना भी है कि नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने का छत्र ये मत दो, वो छत्र आज भी वहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। कोशिश करूँगा मैं आपको वो छत्र दिखाऊँ। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका लगता है तो आप ज्वाला जी जरूर आएँ, दर्शन करें। अभी हम ये कोई नदी है, अच्छा ब्यास नदी है ये, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है ताकि लोग कोई कचरा वगैरह ना फेंके। और नदी के किनारे के ऊपर दूर तक पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। उन पेड़ों का व्यू नदी में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब सामने ये बोर्ड कोई नजर आ रहा है, देखते हैं ये बोर्ड कैसा है, क्या है। अच्छा, डेरा चौक आएगा। तो आगे जो पेट्रोल पंप आ गया है और सामने एक डेरा चौक नजर आ रहा है, यहाँ से हमारी बस ज्वाला जी की तरफ मुड़ जाएगी। जाते आते शाम हो जाएगी हमको, तो लगता है तो यही है, आगे देखते हैं। अब हम ज्वाला जी पहुँच चुके हैं लेकिन शाम हो चुकी है, मार्केट में जा रहे हैं, कुछ दुकानें बंद होने वाली हैं। ज्वाला जी की मार्केट है, तो अब हम वापस होटल में जाते हैं। बस स्टैंड के पास ही मैंने एक गेस्ट हाउस ले लिया है, तो वहीं पर कभी आराम करेंगे और फिर कल सवेरे आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं अभी बस स्टैंड के पास खड़ा हूँ, लोगों की चहल पहल चालू हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है। अब मैं आपको एक नज़ारे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, चहल पहल हो रही है, सूर्यदेव निकल रहे हैं और सामने माता के भवन को जाने का एंट्री गेट बना हुआ है। अब हम उसी साइड चलते हैं और मार्केट से होते हुए भवन की तरफ को जाएंगे। गेट के पास चाय की दुकान है। अभी हम बैरिकेड क्रॉस करते हुए मार्केट में एंट्री कर गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं,
ज़्यादातर दुकानें अभी बंद हैं, कुछ दुकानें अभी खुली हुई हैं जिनके ऊपर दुकानदार अपना सामान लगा रहे हैं, जिनमें माता का प्रसाद, माता की चुंदरी, ये सब चीज़ें सज रही हैं। और श्रद्धालुओं की अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। हम भवन की सीढ़ियों के पास पहुँचने ही वाले हैं, अब चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और अंदर का जो नज़ारा होगा वो आपको हम बताते हैं। अब हम भवन में एंट्री कर चुके हैं। सामने जो भवन दिख रहा है वो माता की सेज का है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और भवन का दृश्य बहुत सुंदर है। सामने जो गोल्डन कलर का आपको नज़र आ रहा है वो माता का मेन भवन है। बाकी साइड में यज्ञशाला है और अभी हम कुछ चलते हैं माता के दर्शन कराने के लिए। मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम माता के दर्शन करने के लिए रेलिंग में लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और मेरे उल्टे हाथ के ऊपर माता के शेर बने हुए हैं। और ये अब हम जो माता की यहाँ ज्योति है वहाँ एंटर करने का मेन दरवाज़ा है, ये जहाँ श्रद्धालु लोग अंदर जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। अब आपको हम माता की जो ज्योति है उसके दर्शन करवाते हैं। ये माता की ज्योति आ रही है। माँ की ज्योति के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ अकबर बादशाह का छतर रखा हुआ है। ये सामने जो आप छतर देख रहे हैं यही छतर अकबर बादशाह ने माता को चढ़ाया था, जो यहाँ रखा हुआ है, जो सामने लिखा हुआ भी है शाहजहाँ अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। तो ये वही छत्र है जो अकबर बादशाह ने चढ़ाया था। अब हम चलते हैं गोरख टिब्बी की तरफ। गोरख टिब्बी गोरखनाथ के मंदिर में बनी हुई है, लेकिन वहाँ फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम माता की सेज की तरफ को चलते हैं और उसके दर्शन करते हैं। अब हम नवग्रह मंदिर के अंदर हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद यहीं पर तारा देवी का मंदिर है, एक उसके दर्शन करते हैं। अब हम तारा देवी के मंदिर के सामने हैं, लेकिन वहाँ भी लिखा हुआ है कि अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम अंदर का फ़ोटो तो नहीं खींचेंगे, लेकिन बाहर से ज़रूर सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। ये अंदर का दृश्य है जो अभी आप देख रहे हैं। इस छोटे से मंदिर के अंदर माता की मूर्ति है, लेकिन वहाँ हम फोटो नहीं खींच सकते। और अब हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कैसा है। ये है हाइट से लिया गया फ़ोटो। ज्वाला जी का जो मंदिर है वो दिख रहा है, ज्वाला शहर दिख रहा है पूरा।
काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर ठंड भी ज़्यादा है तो सामने थोड़ी थोड़ी धुंध भी नज़र आ रही है। सामने जो सीढ़ियाँ हैं ये जाती हैं भैरव मंदिर के लिए, लेकिन भैरव मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम वहाँ अभी नहीं जाए हैं, नज़ारे देखते हैं। ज्वाला जी का जो मंदिर है इसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, इस समय पहाड़ियाँ खूब खिली हुई है, बहुत ही सुंदर व्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं। ऊपर से लिया गया माता के प्रांगण का ये व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं और ये शेज भवन दिख रहा है सामने, और इस साइड लाल रंग का भवन है। वो आपको नीचे चल के यज्ञशाला दिखाते हैं जहाँ यज्ञ हो रहा है, और यहाँ पर लोग यज्ञ कर रहे हैं। एक बार आपको दोबारा फिर माता के प्रांगण का ये दर्शन करवाते हैं और फिर हम वापस चलेंगे। ये सामने माता का शेज भवन है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, अब हम वापस चलते हैं और नीचे आपको मिलेंगे। अब मैं वापस मेन रोड पर आ गया हूँ, यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, काफ़ी चहल पहल है जैसा कि आप आवाज़ें सुन ही रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबाएं। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा पाऊं, और अब मैं बस स्टैंड की तरफ को जा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।